एमपी मंडला की लड़की यूपी हाथरस पहुंची, बताई आप बीती, पुलिस कर रही जांच। सिलाई कढ़ाई सिखाने के बहाने मध्य प्रदेश के मंडला जिले से दिल्ली ले जा रही 12 लड़कियों में से एक लड़की किसी तरह से उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंच गई। शनिवार देर रात हाथरस बस स्टैंड पर मिली लड़की ने पुलिस को आप बीती बताई तो सब दंग रह गए। सभी लड़कियों को किसी जगह पर कमरे में बंधक बनाकर रखा गया था, किसी तरह निकलकर वहां से 2 दिन में चलते हुए हाथरस पहुंची है। उत्तर प्रदेश हाथरस एसपी विनीत जायसवाल के अनुसार शनिवार की देर रात बस स्टैंड पर एक लड़की के बैठे होने की जानकारी पुलिस को मिली। लड़की ने कोतवाली सदर पुलिस को बताया कि वह मध्य प्रदेश के जिला मंडला की रहने वाली है। एक सप्ताह पहले परिजनों की सहमति से गाँव के करीब 12 लड़कियों को एक व्यक्ति सिलाई कढ़ाई का काम सिखाने को कहकर दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में इन लड़कियों को किसी शहर में बस स्टैंड के पास कमरा किराए पर लेकर रखा गया था। उसे उस जगह का नाम व पता याद नहीं। दिल्ली ले जाने वाले शख्स पर कुछ शक हुआ तो वह किसी तरह वहां से भाग निकली। लड़की ने बताया कि पिछले 2 से 3 दिन से चलते हुए वह कल यहाँ हाथरस तक पहुंची है। पुलिस ने उनके परिजनों से संपर्क किया तो लड़की के पिता मध्य प्रदेश रोडवेज में ड्राइवर हैं, उन्होंने भी सिलाई कढ़ाई के लिए दिल्ली भेजने की बात बताई। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण की जांच सिटी को सौंपी गई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बस स्टैंड पे ये बैठी थी जब किसी ने पुलिस को ये सूचना दी। इस लड़की से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये थाना मुह गांव जिला मंडला की रहने वाली है। इनके परिजनों से संपर्क किया गया है। इनके पिता रोडवेज में एमपी में मध्य प्रदेश में ड्राइवर है, उनसे संपर्क किया गया है तो उनके द्वारा भी यही बात बताई गई है कि हफ्ता भर पूर्व कोई व्यक्ति इन्हें दिल्ली काम सिखाने के लिए ले जा रहा था। इनके परिजनों को यहां बुला लिया गया है और सीओ सिटी द्वारा भी इस प्रकरण में जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंडला में हाथरस मामले को लेकर एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी हाथरस मामले को लेकर लगातार हाथरस एसपी से बात हो रही है। उन्होंने कहा कि जो 12 बच्चों की बात जो चल रही है उसकी ना तो हम ना ही हाथरस के अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। वास्तविकता जो है वो यह है कि वहाँ एक बच्ची रात में मिली है जो कि हाथरस के बस स्टैंड में अकेली थी, जिसे वहाँ के लोगों ने अकेला देख इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसे हाथरस के कोतवाली थाने में रखा गया है। यह लड़की मंडला जिले के रहने वाली बताई जा रही है। हाथरस पुलिस की लड़की के परिजनों से संपर्क हो गया है और लड़की के परिजनों हाथरस के लिए जिले से रवाना हो चुके हैं। इसके साथ ही एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि इसके साथ ही हम एक टीम हाथरस जिले भी भेज रहे हैं जिससे पूरे मामला स्पष्ट हो सके। फिलहाल अभी एक लड़की की जानकारी है जो कि कोतवाली थाने में सुरक्षित है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस थाना अंतर्गत यह बच्ची आती है उस थाना अंतर्गत 10 से 15 दिनों के बीच ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसमें देखिए जो हम लोगों को सुबह मामला संज्ञान में आया था तब से हम लोग लगातार हाथरस जिला पुलिस और वहाँ के एसपी साहब के संपर्क में हैं। 2 बार मेरी खुद भी बात हुई है उनसे। ये जो 12 बच्चियों का जो बातें चल रही हैं इनकी अब तक पुष्टि ना तो हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है और ना ही मंडला एडमिनिस्ट्रेशन करता है। वास्तविकता जो अब तक हमारे संज्ञान में है वो ये है कि वहाँ एक बच्ची मिली है रात में बस स्टैंड के पास हाथरस में। वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा उसे जब अकेला तो पुलिस को सूचना दी है। उसे वहाँ के कोतवाली थाने में अभी रखा गया है। उस लड़की ने अपने आप को मंडला जिले का होना बताया है। जो हाथरस पुलिस है उसका उसके परिजनों से भी संपर्क हो गया है और वो लोग भी वहाँ हाथरस पहुँचने वाले हैं, निकल चुके हैं यहाँ से। इसके साथ ही चूंकि मामला हमसे जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ से एक महिला सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अपनी टीम भी भेज रहे हैं हाथरस ताकि इस पूरे प्रकरण को और डेवलप किया जा सके, इसकी वास्तविकता जानी जा सके। लेकिन अब तक जो हमारे पास जानकारी है वो मात्र एक लड़की की है जो कि वहाँ के कोतवाली थाना क्षेत्र में सुरक्षित है। बच्ची के परिजन से किसी भी प्रकार से कोई कॉन्टैक्ट हो पाया? बच्ची के परिजनों से संपर्क हाथरस पुलिस ने किया है और क्योंकि वो सुबह ही यहाँ से रवाना हो चुके थे तो हमारा डायरेक्ट संपर्क नहीं है लेकिन हाथरस पुलिस लगातार उनके संपर्क में है। सर आगे खुलासे हो सकते हैं? सर देखिए मैंने वही कहा कि अभी क्योंकि बच्ची वहाँ पे है तो महिला अधिकारी के सामने उसके क्या स्टेटमेंट होते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने क्या स्टेटमेंट होते हैं, उसके माता पिता वहाँ पहुँचने के बाद क्या बातें बताते हैं और जो हमारी टीम यहाँ से पहुँचेगी वहाँ से क्या तथ्य निकल के आते हैं। इसके साथ ही हमें यहाँ पे जिस क्षेत्र की जानकारी लगी है जहाँ की लड़की होना पाया गया है तो हमने वहाँ भी अपनी टीम भेजी है कि क्या और भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में यहाँ से गई हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या तथ्य निकल के आते हैं उस हिसाब से हम आगे इसमें बता पाएंगे और आगे की कार्रवाई होगी। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज विटनेस, मोबाइल नंबर 9407091560।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।